नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज। वडोदरा शहर के वाघोड़िया रोड पर मिस्त्री परिवार की ओर से सामूहिक आत्महत्या की होने का मामला सामने आया, जिसके बाद इस मामले में पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी। ऐसे में सामूहिक आत्महत्या के मामले को लेकर जोन 3 के डीसीपी यशपाल जगानिया ने बयान देते हुए बताया है कि आर्थिक दिक्कतों के चलते ये सामूहिक आत्महत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। ऐसे इसके साथ ही ये जानकारी भी पुलिस की ओर से दी गई है कि एफएसएल की ओर से मोबाइल रिकवर किए जाने के बाद आर्थिक ट्रांजेक्शन्स के बारे में भी जानकारी जुटाई जाएगी, और साथ ही अगर ब्याज लेने वाले लोगों की ओर से कोई भी दिक्कत हो रही होने की बात सामने आती है तो उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बागोड़िया विस्तार में रितेश मिश्री नाम के शख्स ने अपनी पत्नी और पुत्र के साथ आत्महत्या की है। हाल में तीनों मृतदेहों को एसएजी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा, पर कर्जा ज्यादा था और इसकी वजह से कर रही थी। ऐसा कुछ लिखा नहीं अभी मिला है, अभी सारी बैंकों से हम डिटेल मंगवाएंगे, उसके बाद ही पता चले। उनको जो आर्थिक तंगी थी उसका लिखा गया, किसी के विरुद्ध में आक्षेप ऐसा कुछ किया गया नहीं, अपनी मर्जी से ये कृत्य कर रहे ऐसा लिखा है। अब वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो टाइम ऑफ डेथ आएगा उससे पता चलेगा, पर प्राइमरी दृष्टि से प्रीतेश ने मतलब पहले उसका हैंगिंग था और उनकी पत्नी का नीचे डेड बॉडी मिली थी, ऐसा ही है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते। इनमें जो प्रीतेश है वो हैंगिंग थे और उनकी पत्नी और पुत्र वो नीचे पड़े हुए थे। जहाँ से लोन ली गई है उनका हमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पोस्टमार्टम में जो कॉज ऑफ डेथ आएगा उसके ऊपर से अगर कुछ निकलता है उसका इन्वेस्टिगेशन अभी किया जाएगा। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान, बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।